उत्तरी जिले की विशेष स्टाफ टीम ने चीन से मध्य दिल्ली में प्रतिबंधित वस्तुओं की आपूर्ति के बारे में सूचना मिलने के बाद 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही 2 करोड़ रुपए मूल्य की प्रतिबंधित ई सिगरेट बरामद की है। उत्तरी जिले में प्रतिबंधित इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट के आयात और परिवहन के संबंध में एक सूचना स्पेशल स्टाफ उत्तरी जिले के कांस्टेबल सचिन को प्राप्त हुई। सूचना को आगे बढ़ाया गया जिसमें पता चला कि चीनी ई सिगरेट गोरखपुर उत्तर प्रदेश से दिल्ली लाई जा रही थी। तुरंत इंस्पेक्टर रोहित सारस्वत की कड़ी निगरानी और नीरज पटेल SCP ऑपरेशन सेल उत्तरी जिले के मार्गदर्शन में SI विनीत और SI मनोज के नेतृत्व में SI राजीव, SI जगोम, SI आदेश, HC देवेंद्र, HC आकाश, HC राकेश और कांस्टेबल सचिन की एक समर्पित पुलिस टीम गठित की गई। इसके साथ ही स्पेशल स्टाफ कार्यालय से रवाना होकर मोरी गेट दिल्ली के पास पहुंची, जहां मुखबिर ने प्रतिबंधित ई सिगरेट की आवाजाही के बारे में विवरण दिया। विक्रम टेम्पो के चालक की पहचान सिद्दीक अली निवासी कुचाम मोहतर खान मोरी गेट दिल्ली उम्र 47 वर्ष के रूप में हुई है। जांच करने पर चीन में निर्मित एल्फ बार 25,000 पफ ई सिगरेट की 4740 इकाइयों वाले 40 कार्टन बरामद की गए। तदनुसार FIR संख्या 475/24 दिनांक 3/10/2024 के तहत धारा 4/7 इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट उत्पादन निर्माण आयात निर्यात परिवहन बिक्री वितरण भंडारण और विज्ञापन अधिनियम 2019 के तहत पुलिस कांस्टेबल सिविल लाइंस दिल्ली में मामला दर्ज किया गया और आगे की जांच शुरू कर दी गई है। पूछताछ के दौरान विक्रम टेम्पो चालक सिद्दीक अली ने खुलासा किया है कि प्रतिबंधित ई सिगरेट करोलबाग इलाके के गोदाम के लिए बाध्य थे और उन्हें अपने सहयोगी शेख कमाल के माध्यम से नितिन नामक व्यक्ति तक पहुंचाना जाना था। सिद्दीक की पहचान के बाद शेख कमाल निवासी करोलबाग दिल्ली उम्र 30 वर्ष को और नितिन निवासी करोलबाग दिल्ली उम्र 25 वर्ष को गिरफ्तार किया गया। नितिन की निशानदेही पर दिल्ली के करोलबाग में उसके गोदाम से 1600 एल्फ बार 25,000 पफ ई सिगरेट वाले 8 कार्टून बरामद किए गए। नितिन से पूछताछ में पता चला कि सरगना जिसका नाम वसीम निवासी गुजरात है चीन से एल्फ बार 25,000 पफ ई सिगरेट के अवैध आयात में शामिल था। नितिन ने यह भी खुलासा किया है कि वह वसीम पिछले कई महीनों से प्रतिबंधित इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट की बिक्री में शामिल थे। कुरियर चीन से पूर्वी तट पर विभिन्न चौकियों और फिर गोरखपुर उत्तर प्रदेश के माध्यम से भारत में प्रवेश करते थे। रैकेट के अनुसहयोगी की तलाश जारी है। अतीक मलिक की रिपोर्ट।